चलो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट कर दिया था, राइट? ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको मीडियन समझाया उससे पहले मैंने आपको दो चीजें समझाई थी, एक तो मोरहेड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा लेसेन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। उसका हमने मीडियन फाइंड करने में यूज नहीं किया था, पर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने मीडियम के लिए यूज किया था। और तब जब मैंने समझाया तब मैंने आपको बोला था भी ये मोर देन टाइप लेस देन टाइप का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हम ग्राफ्स में यूज करेंगे, याद है किसी को? ठीक है, चलो मैं एक कोई भी डेटा ले रही हूँ यहाँ से, दिया गया है क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन में आपको दो टाइप के अलग अलग दिए होंगे। मोर देन टाइप ओजी एंड लेस देन टाइप ओजी। ओजी में ग्राफ बनेगा, जैसे 9th स्टैंडर्ड में हम पॉलीगोन बनाते थे, याद है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, याद है? 9th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर नंबर 14 ही था स्टेटिस्टिक्स, उसमें भी हमने ग्राफ देखे थे तीन टाइप के, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, याद है? ठीक है, तो उसी तरह से हम वहां पे बनाएंगे ओजी। दो टाइप के बनते हैं, एक तो मोर देन टाइप और दूसरा लेस देन टाइप। क्वेश्चन में शायद किसी एक का बोला हो या दोनों का भी बोल सकते हैं। कैसे बनाएंगे अब देखो, पहले मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ लेस देन टाइप। किसमें कन्वर्ट करूंगी मैं इसे? लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? लेस देन 45। लेस देन में हम कौन सी लिमिट लेते हैं? अपर लिमिट लेते हैं ना, याद है मैंने समझाया था। और अगर मोर देन टाइप में तब क्या लेंगे? सारी लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन 45, लेस देन 50, लेस देन 55,
मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। हमेशा ग्राफ बनाते वक्त एक्स एक्सिस पर हम लेंगे, अगर आप लेस देन टाइप पॉजिटिव बना रहे हो तो, अगर आपने लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, लेस देन टाइप पॉजिटिव। क्या बनेगा वो, लेस देन टाइप पॉजिटिव। और जब आप लेस देन टाइप पॉजिटिव बनाते हो तब आप एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट लोगे। क्या लोगे, अपर लिमिट। और यहाँ पे हम लेंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर, x एक्सिस पर अपर लिमिट एंड y एक्सिस पर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर लिमिट 45, 50, 55, ये हमें चाहिए, ठीक है। 5-5 के डिफरेंस पर है वो ही लगा लेते हैं, बट यहाँ से जीरो से हम 5, 10, 15, 20 सब तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली कहाँ से चाहिए, 45 से। तो याद है ना, पॉलीगोन पर कौन सी पॉलीगोन बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं, वैसा ही यहाँ पे करना है, ठीक है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 45 से। कुछ भी हो मिले उसका यूनिट पीछे क्या लिखते हैं,
जो यहाँ पे क्लास के ऊपर जो यूनिट दिया होता है वही हम लिखते हैं, मतलब कि ये n by 2 भी हमारा वही होगा मीडियन, इसके ऊपर से हम मीडियन फाइंड करते हैं ना। तो n by 2 आपको जो 15 मिला है ना वो आपको x एक्सिस पे ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, x एक्सिस कहाँ पे ढूंढोगे आप, सॉरी थर्टी टोटल किसका है, फ्रीक्वेंसी का, और उसी का आपने हाफ किया है, सॉरी थर्टी टोटल किसका है, फ्रीक्वेंसी का है और उसी का हमने हाफ किया है। तो ये जो आपको एन अपॉन टू मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा 14 और 16 के बीच में 15 मिला, और 15 से स्ट्रेट लाइन आप ओजीयू पर लेके जाओ, 15 से स्ट्रेट लाइन आप कहाँ पे लेके जाओगे, ओजीयू पर लेके जाओगे। अब ओजीयू से स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे जो वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर जहाँ पे टच करेगी दैट इज आवर मीडियन, आपके पास एन की वैल्यू तो होगी, एन अपॉन टू फाइंड करो, ठीक है, एन अपॉन टू आपको जो मिला उसे आपके कहाँ पे लेना है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेना है, उससे एक्स एक्सिस के पैरेलल ओजीयू पर पॉइंट बना, ओजीयू में से वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस तक जाओ, जो भी पॉइंट आपको मिला दैट इज आवर मीडियन, क्लियर, अब आया समझ में, ये ग्राफ के ऊपर से मिली है, यहाँ पे हमें शायद 52 अराउंड मिलेगा, सॉरी 57 अराउंड, 55 और 60 के बीच में यहाँ पे हमें अराउंड क्या मिलेगा, 57। आया अब समझ में, ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो उसमें तो वो छोटी छोटी लाइंस होती है तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, समझ में आया, इसी तरीके से अब हम करेंगे मोर देन टाइम।
अब 40 के क्या है 30, तो 40 में आएगा 30, 45, 28, 11 यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 65 ये 72 मिल गया। अब यहाँ से कहीं से किसी भी पॉइंट से यहाँ से ज्वाइन कर दो, ऐसे मोर देन टाइप ओजी, ये क्या है मोर देन टाइप ओजी, दोनों उल्टे मिले, मोर देन टाइप ऊपर से नीचे मिलेगा और आगे हमने जो लेसन किया था वो क्या था नीचे से ऊपर जा रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर हायर तक जाते हैं, यहाँ पे हम हायर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर लोअर तक जाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मोर देन टाइप ओजी। इसी में सेम मेथड से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू क्या है 30, तो एन अपॉन टू 15, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर 15 को एक्स एक्सिस के पैरेलल ओजी तक ले जाओ, ठीक है। फिर वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल आप कहां पे आओगे, ग्राफ पर। सेम मिला ना, सेम मीडियन उतना ही मिला। देखो सेम, तो आप मोर देन टाइप ओजी बना या लेस देन टाइप ओजी बना, मीडियम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो आपको बनाना है, ठीक है। अगर डॉटेड लाइन बना या तो फुल लाइन बना चलेगा, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। रिप्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। और शायद आपको ऐसा बोला हो क्वेश्चन में कि दोनों टाइप के ओजीव आपको एक ही ग्राफ पेपर में बनाने हैं, दोनों टाइप के ओजीव आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपको मोर्डन टाइप ओजीव बन गया। अब इसी ग्राफ में से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेसन टाइप ओजीव बनाया ना, वो ही मैं इसी ग्राफ पेपर में बना रही हूँ। कैसे बनाऊंगी देखो, लेसन टाइप ओजीव था हमारा, उसमें हम क्या ले रहे थे अपर लिमिट्स, तो अपर लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है 45, तो ऑलरेडी हमारे पास है, पर हमें कहाँ तक जाना होगा 75 तक, तो ये रहा। अभी इसे यहाँ से रख कर लो, इतना रख, ठीक है। कहाँ से 45 से 75 ऑलरेडी हमारे पास है, और लेसन टाइप ओजीव में हमने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट की थी ना, तो लेसन टाइप के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 13 + 6 = 19, + 6 = 25, 28 और 30, मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। एग्जाम में आपको दोनों बोला हो तो आप दोनों की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग करो, क्योंकि दोनों की अलग अलग होती है ना क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मॉडर्न टाइप और लेसन टाइप की सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये मॉडर्न टाइप की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे लेसन टाइप और उसकी फ्रीक्वेंसी, पूरा टेबल आप बनाओ, ठीक है। फिर ग्राफ पेपर में दोनों ग्राफ एक साथ, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 45 पे क्या है 2, तो ये 45 पे 2, फिर 50 पे क्या है 3, तो ये 50 पर सॉरी 5, सॉरी ये 5, ये 50 पर 5, फिर 55 पर 30,
पर 90 हो गया। अब इन सारे पॉइंट्स को जॉइन कर दो। कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें मीडियन फाइंड करना है। आपको दिख रहा है हमने जो मीडियन के लिए 15 यहाँ पे एन अपॉन 250 था उसके लिए जो डॉट किया था ना उसी पे दोनों ग्राफ जॉइन हुए हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं दोनों ग्राफ उसी पॉइंट पर। तो आपको जब दोनों ग्राफ बनाने को बोला हो और मीडियन फाइंड करना हो तब आपको एन अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां से आप एक्स एक्सिस पर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस तक जाओगे, सेम पॉइंट आपको मिला बीसी का मिल गया। जब आपको दोनों में से कोई एक ग्राफ बोला हो तब आप एन बाई टू फाइंड करोगे और वाई एक्सिस से मीडियन फाइंड करोगे, ठीक है। पर दोनों ग्राफ एक साथ हो तो एन अपॉन टू करने की जरूरत नहीं है। दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस तक जाओ, जो भी पॉइंट आपको मिलेगा दैट इज आवर मीडियन। और मीडियन का यूनिट क्या लिखोगे, जो क्लास के ऊपर आपको यूनिट दिया होगा वो, ठीक है। बस इतना ही है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी नोटबुक में करो, ग्राफ पेपर नहीं होगा ना आपके पास, बाकी करना है तो ग्राफ पेपर में ही है। एग्जाम में आपको मिलेगा, बोर्ड की एग्जाम में वहीं से आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। डिपेंड्स बेटा, क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें क्लास इंटरवल में इनकम दी गई है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू अ लेस देन टाइप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, एंड ड्रो इट्स ओजी। कौन सा बोला है, लेस देन टाइप, तो एक ही करने की जरूरत है, यहाँ पे जो भी बोला है वही करो, मोर देन टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर इसका क्या बनाएंगे, ओजी बनाएंगे, ठीक है। तो पहले टेबल बना दे, डेली इनकम नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी, यहां पे क्या आएगा, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ क्लास पे पूछने पड़ेंगे ना, फ्यूचर वाइज 100 to 150 बातें नहीं, अपर लिमिट लेंगे, अपर लिमिट, ठीक है।
एग्जाम में यही थी एम्प्टी मत लिखना, पूरा लिखना। वो तो समझाने के लिए था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है तो कहां से स्टार्ट करते हैं? ऊपर से टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट 12 प्लस 14 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 प्लस 10 50। ठीक है, हमें यहां पे क्वेश्चन में सिर्फ ओजी ग्रो करने को बोला है, मीडियन फाइंड करने को नहीं बोला है। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबोव टू अ लेस देन टाइप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव एंड फाइंड मीडियन। तो हम मीडियन फाइंड करके, हम सिर्फ यहाँ पे ओजीव बना के छोड़ देंगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने को नहीं बोला। अगर बोला भी होता तो क्या करना होता, सिर्फ एन अपॉन टू फाइंड करके लाइन बनानी, और कुछ ज्यादा तो है नहीं, है ना। इसका ग्राफ बनाएंगे, मीडियन फाइंड करने को नहीं बोला है क्वेश्चन।
अगर बोला होता तो हम क्या करते, ए कितना है 50, तो ए अपॉन 2 25 से यहाँ नीचे कर दे, तो 25 यहाँ आया 139 अराउंड आएगा, 138 139